إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون معزز علماء الكرام من محترم ديني بهيو قابل احترام اور بهنو अल्लाह रबालमीन ने इंसान को दुनिया में बसाया है लेकिन दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं बल्कि इस ज़िंदगी को अल्लाह रबालमीन ने महदूद रखा है गिनती के चार दिन हैं इंसान को दुनिया में रहना है उसके बाद मौत आएगी और मौत के बाद आखिरत की ज़िंदगी है दुनिया में अल्ला रबालमीन ने इंसान को सलाहियतें दी हैं देखने की सलाहियत सुनने की सलाहियत सोचने की सलाहियत इसी तरह से उसको अमल करने की सलाहियत दी बोलने की चलने फिरने की काम काज करने की इसके साथ साथ दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें पहले से बना के रखी हैं जिसके जिसकी इंसान को ज़रूरत है इंसान के लिए खाना है पीने के लिए पानी है और उसके लिबास का इंतज़ाम यहाँ पर है उसके घर का इंतज़ाम यहाँ पर है फिर इंसान की ज़ीनत के लिए चीज़ें हैं सोना चांदी, फिर इंसान को अल्लाह रबालमी ने वो सारी चीज़ें दी हैं जिसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी की सहूलतें पैदा कर सकें बना सकें गाड़ी मोटर और इसी तरह से टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें जो इंसान के काम की हैं ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के, के, के मकसद को पूरा करने के लिए उसको मिली है ये ख़ुद मकसद नहीं है ये खुद मकसद नहीं है उसकी ज़िंदगी का गोल ये नहीं है वो ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए ज़रिया हैं ये मींस हैं उसके लिए लेकिन इंसान की ग़लती है कि वो मकसद तक पहुंचने वाली पहुंचाने वाली गाड़ी ही को मकसद और मंजिल समझ लेता है इंसान की नाकामी की बुनियादी वजह ये है कि जो चीज़ उसको मकसद तक पहुँचा सकती है उसी चीज़ को मकसद समझ लेता है और मकसद को भूल जाता है और यहीं से इंसान की नाकामी और बर्बादी शुरू होती है क्योंकि ज़िंदगी के जो महदूद दिन हैं जो वक्त उसको मिला है ज़िंदगी का वो ख़त्म होता जा रहा है एक एक करके दिन ज़िंदगी के ख़त्म होते जा रहे हैं सांसें उसकी ख़त्म होती जा रही हैं और मौत करीब आती जा रही है और उसके पास मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी का जो वक्त मिला है वो ख़त्म होता जा रहा है और कम 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 होता जा रहा है अगर उसने तैयारी नहीं की मरने के बाद वह ऐसी ज़िंदगी में डाल दिया जाएगा जहाँ कुछ कर नहीं सकता है वहाँ कोशिश का मौका नहीं रहेगा वहाँ बस इंसान को जो कुछ दुनिया में किया है उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा अगर यहाँ अच्छा जिया वहाँ पर इनाम मिलेगा कामयाबी मिलेगी और अगर यहाँ पर बुरा जिया वहाँ पर नाकामी और वहाँ पर ज़िल्लत और मुसीबत होगी लिहाजा इंसान को दुनिया में इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी इम्तहान के लिए है और जो कुछ उसके अतराफ में है ये सब का सब उसके इम्तहान के तौर पर है हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है न वो ख़ुद बाकी रहेगा न चीज़ें बाकी रहेंगी अल्लाह रब्बुल रबालमी ने कुरान करीम में बहुत सख्त बात इस बारे में कही है अल्लाह ताला फ़रमाता है वमल हयात दुनिया इल्ला दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है वलारत ख़ैरदीन तक और आखिरत का घर यानि जन्नत उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला से डरते रहे बुराइयों से बचते रहें गलत काम करने से बचते रहें उनके लिए ज़्यादा बेहतर है अफला ताकिलून तुम अक़ल से काम नहीं लेते आप समझें एक बच्चा है जो समंदर के किनारे पिकनिक पे गया माँ बाप के साथ गया और उसके पास वक्त है उसने एक कासल बनाया रेत में बच्चे आप देखें घर बनाते हैं बड़ी मेहनत से बहुत ही फोकस करके और काफ़ी वक्त दे के उसने घर बनाया उसमें खिड़कियाँ दरवाज़े और बिल्कुल ख़ूबसूरत घर बनाया है। वो ख़ुद उसमें सीरियस है और उसका दिल उसमें लगा हुआ है उसकी क़दर उसके दिल में है और वो उसके लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि वो किसी को हाथ लगाने नहीं देता इसको टच मत करना गिर जाएगा टूट जाएगा संभालता है लेकिन अचानक समंदर की एक लहर आती है और उस पूरे घर को गिरा के चली जाती है यही हाल इंसान की जिंदगी का है अब वो बच्चा रो रहा है मेरा घर टूट गया माँ बाप बोलते बेटा ये इतना बड़ा घर नहीं है घर अपना वहां है इसके लिए तू रो रहा है वो कह रहा, नहीं मुझको वापस चाहिए मुझको ये वापस चाहिए मेरे लिए अहम है माँ बाप बोल रहे ये छोटी चीज है ये खेल है बस हम लोग खेल के तौर पर बनाए थे घर बोला नहीं मैंने बहुत सीरियसली बनाया था उसको तो उन्हें बनाया था लेकिन वो खेल था वो असल घर नहीं है और वो बाकी रहने वाला घर नहीं था एक मौज समंदर की आके उसने उसको पूरा ख़त्म कर दिया और वो चली गई और रेत की रेत रह गई यही इंसान की जिंदगी का हाल है यही इंसान की जिंदगी का हाल है बड़ी मेहनतों से वह सब यहाँ पर जमा करता है सोना चांदी पैसा बैंक बैलेंस अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे लिबास अच्छा घर मोटर गाड़ी यहाँ की डिग्रियां सब कुछ यहाँ पर जमा करता है वो सीरियस है ये उसका कासल है समंदर के किनारे है अभी वो मौजों को नहीं जानता है एक मौज आती है मौत की सब खत्म हो जाता है इंसान की जिंदगी वो इसी में लगा रहा इसी में लगा रहा इसी को असल समझता रहा लेकिन वो उसके नज़दीक कीमती था लेकिन वो सीरियस नहीं था वो खेल था एक वो खेल था वो घर कोई बाकी घर नहीं था चाहे उसने उसको कितना ही दिल अपना और कितना ही वक्त अपना दिया हो लेकिन वो बाकी रहने वाला नहीं था उसको ख़त्म होना था वो ख़त्म हो गया अगर आखिरत से जोड़ के दुनिया की जिंदगी को देखा जाए मरने के बाद की ज़िंदगी और इंसान की ज़िंदगी के रियल इश्यूज़ वाकई उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ जोड़ के उसके खाने पीने और यहाँ के सारे मौज मस्ती को देखा जाए उसकी यही हैसियत है उसकी कोई कीमत नहीं है चाहे इंसान उसको कितनी अहमियत क्यों ना दे लेकिन जब मरने के बाद की ज़िंदगी के साथ उसको जोड़ के हम देखें खेल तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ असल प्रॉब्लम कुछ और हमारा है हम समझ रहे किसी और को प्रॉब्लम है एक बच्चा खेल रहा है घर के अंदर भी खेल रहा है खिलौना टूट गया रोता है माँ बाप से जिद करता मुझको वापस चाहिए मेरा खिलौना आपने पाँव दे के तोड़ दिया उसको माँ बाप को मालूम है इसको अभी जिंदगी के प्रॉब्लम्स मालूम नहीं है बाप को कैंसर है माँ को बीपी है माँ को शुगर है और ज़िंदगी में हमारे खर्चे के मसायल बने, बने हुए हैं और न जाने कितने मसाइल हमारे हैं इसके एजुकेशन का मसला है दवाओं का मसला है घर के किराए का मसला है लाइट के बिल का मसला है जॉब नहीं है ठीक से बाप को इसको वो इश्यूज मालूम नहीं है इसके लिए उसके अपने इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं उनके नज़दीक इसका ये खिलौना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है इसलिए कि ज़िंदगी के इश्यूज उसके मसाइल और बहुत बड़े बड़े हैं वो लेकिन उसी को बड़ा समझता है उनकी निगाह में वो खेल से ज़्यादा कुछ भी नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है चाहे उस बच्चे के नज़दीक उसकी कितनी ही वैल्यू क्यों ना हो वो असल ज़िंदगी का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वही माँ बाप अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को बड़ा समझ लेते हैं और मरने के बाद के असल जो बड़े मसाइल हैं उनके बारे में लापरवाह हो जाते हैं उनकी हालत भी उसी बच्चे की तरह होती है जो ज़िंदगी के बड़े प्रॉब्लम्स नहीं जानता है बस वो अपनी खेल तमाशे को ही असल समझ लेता है और उसी के लिए जिद करता है उसी के टूटने पर रोता है उसी के खोने पर दुख उसको होता है बच्ची की डाल खो गई या उसकी गर्दन टूट गई या कुछ हो गया फट गया टूट गया कपड़ा फट गया रोना धोना शुरू हो जाता है उसके लिए वही इंपॉर्टेंट है वो खेल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माँ बाप के लिए नहीं लेकिन माँ बाप भी तो किसी और खेल में है पैसा जेवरात मोटर गाड़ी समाज की इज्जत अहदा और यहाँ लोगों में मकाम ये जो सारी चीज़ें हैं इसको वो लोग भी असल समझ लेते हैं लेकिन जैसे ही मौत आती है आदमी दुनिया से आखरत में चला जाता है तब जाके मालूम पड़ता है कि असल प्रॉब्लम ये नहीं था इम्पॉर्टेंट इशू ज़िंदगी के वो नहीं थे जिसको मैं दुनिया में समझ रहा था असल इशू ये था कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी असल काम ये नहीं था कि मैं अपने बाहर अच्छी अच्छी चीज़ें जमा कर लूँ असल काम मेरा ये था कि मैं अपने अंदर को अच्छा बनाऊँ मैं बाहर अच्छा बनाने में लगा रहा और अंदर को बिगाड़ा मैंने अंदर पे ध्यान नहीं दिया मैंने अपने बाहर अच्छे कपड़े अच्छी गाड़ी अच्छे जेवरत अच्छी डिग्री अच्छा घर सब कुछ मैंने अपने बाहर की चीज़ों को बेहतरीन बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी लेकिन मैंने अपने अंदर को अच्छा बनाने की फिक्र नहीं की है हत्या कि मैंने अपने जिसम को भी अच्छा बनाया एक्सरसाइज के जरिए से डाइटिंग के जरिए से और ब्यूटी पार्लर के ज़रिए से और जेवरात के ज़रिए से मैं इन सब को बेहतर बनाने में लगा रहा मैंने अपनी सूरत को बेहतर बनाया मैंने अपनी सीरत को बेहतर नहीं बनाया मैंने अपने जिसम को बेहतर बनाया मैं अपनी रूह को बना नहीं सका अच्छी आखिरत में जा के मालूम पड़ता है कि ये अंदर से अच्छा नहीं था इसका इस अच्छा था लेकिन अंदर जो कंटेंट है वो ख़राब था असल ज़िंदगी इंसान के अंदर उसने क्या बनाया उसने अपने ईमान को कैसे बनाया अपने कल्ब की असलाह कैसे की अपने आमाल को कैसे बेहतर बनाया असल ये करने का काम है हम चीज़ों को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं ऐसी चीज़ों को जो छूटने वाली हैं जो छूटने वाली हैं या तो वो हमसे छूट जाएंगी या तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे लेकिन जो हमारे साथ रहेगा हमारी अपनी पर्सनैलिटी और जिसका जवाब हमको देना है हमारे एक्शंस हमारे आमाल, उसके बारे में हम सोचते हैं नहीं इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है वो हया तो दुनिया इबूँ वाह दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं है लब जिस्म का खेल खेल कूद दौड़ धूप लाहौ दिल की एक्टिविटीज़ दिल के खेल ला इबूँ वलो वारैर उन लदीन ए तकूना अफला ताकिलून और आख़रत का घर यानी जन्नत बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला से डर के बुराइयों से बचने वाले लोग बन जाते हैं परहेज़गारी इख्तियार करते हैं बुराइयों से अपने आप को दूर रखते हैं अफला ताकिलून तुम अक़ल से काम नहीं लेते तुमको अकल है कि नहीं है अकल का ज़िक्र यहाँ पर बताता है कि इंसान को वाकई सोचना चाहिए इसके ऊपर कि एक आदमी इंडिया से सऊदी चला गया अमेरिका चला गया हांगकांग चला गया किसी मुल्क में चला गया वहाँ जाने के बाद अगर वो पूरी कमाई अपनी उसी मुल्क में रहकर अच्छे से अच्छा घर बनाए अच्छे से अच्छी गाड़ी ख़रीदें खाए पीए और सब कुछ मौज मस्ती करें साथ वाले बोलते हैं अकल ख़राब हो गई है बोले क्या हुआ बेटा तू यहाँ हमेशा रहने वाला थोड़ी है तू इंडिया जाने वाला है वापस अपना मुल्क इंडिया है तेरे बीवी बच्चे तेरा घर पूरा वहाँ इंडिया में है तो तो सारा पैसा यहाँ खर्च कर रहा है वहाँ के लिए क्या अक्ल मदमी आदमी उस, उसको माना जाता है जो वहाँ पर किसी तरह से कच्चा पक्का खा ले फटा पुराना पहन ले नींद मिली नहीं मिली मेहनत करके कुछ कमाए और यहाँ भेजे घर वालों को भेजे, फिर वहाँ से यहाँ आए यहाँ एकदम अच्छा घर बना ले अच्छा बिजनेस बना ले और यहां पे खुशहाल रहे बीवी बच्चों के साथ में वहाँ रहने वाला आदमी सोचता मेरा घर ये नहीं है मैं यहाँ कैसे भी गुजार लूँगा असल मेरी ज़िंदगी इंडिया में जाने वाली है असल मेरा घर वहाँ है या नहीं तो ऐसे आदमी को जो वहाँ रह के दुबई में सऊदी में दूसरे मुल्कों में जाके अगर वो वहाँ ही सब कुछ पैसा खर्च कर दे और वहाँ की अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लग जाए यहाँ कुछ ना भेजें यहाँ की तैयारी ना करें हम सब उसको बेवकूफ़ बोलते हैं तो हम आखिरत में जाने वाले हैं कि नहीं है कि यहीं रहना हमको यहां कितनी जिंदगी है चार दिन वो चार दिन भी पक्के नहीं है आदमी वो चार दिन भी पक्के नहीं है यहां से बाहर निकला हार्ट अटैक आया मर गया हो ही सकता है यहां से गया बाइक पे कार में गया एक्सीडेंट हो गया मर गया हो सकता है कुछ भी हो सकता है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं वो चार दिन भी यकीन ही नहीं है उसके बाद क्या ख़त्म हो जाता मिट्टी में डालने के बाद में मर जाता ख़त्म यानी अच्छा भी ख़त्म बुरा भी ख़त्म कोई पूछने वाला नहीं इंसान की फितरत तकाजा करती है कि नहीं इंसाफ होना चाहिए अच्छे को इनाम मिलना चाहिए बुरे को सज़ा मिलनी चाहिए अगर ये फितरत में इंसान की डिमांड नहीं होती दुनिया में अदालत नहीं होती इंसान की फितरत मानती है चाहती है इंसाफ होना चाहिए तो मरने के बाद की जिंदगी में वो कामिल इंसाफ होगा जिसको यहां भी इंसाफ नहीं मिला वहां मिलेगा उसको क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमी ने पूरी दुनिया को बनाया पूरी कायनात को बनाया इंसाफ यहां पर हर जगह दिखाई देता है बैलेंस दिखाई देता है यहां इम्बैलेंस नहीं है यहां पर बैलेंस है तो दुनिया की जिंदगी वक्त ही है इसी में अपनी सारी सलाहतें खर्च करके इसी दुनिया की जिंदगी को अपने लिए असल समझ लेना इससे बड़ी नादानी नहीं कोई इसके बाद की ज़िंदगी असल है उसकी तैयारी हमको करना चाहिए उसकी तैयारी हमको करना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान करीम में फ़रमाता है कुल कुल्फ मौत हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है हर जानदार को मौत का मजा चखना है कोई नहीं जिसको मौत नहीं आएगी जो अल्लाह को नहीं मानता और मरने के बाद की, की ज़िंदगी को भी नहीं मानता वो मौत को मानता मरना तो सभी को है कोई नहीं बोलता मरना नहीं है जो एतिस्ट होता है नास्तिक होता है वो भी मानता है कि मरने के बाद की जिंदगी मरना तो है चाहे वो मरने के बाद ज़िंदगी न माने मौत को कोई इनकार उसका नहीं करता है कुल्ल नफ सिंधा मौत गरीब हो अमीर हो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो अच्छा हो बुरा हो राजा हो या भिकारी हो मौत आने वाली है कुल्लु नफसिंदा इक़्तलमाउ मौत व नमा तुवफ़ाउना उजूरकुम फ़ोन उजूर मरने के बाद सब खत्म नहीं व इन न फोन उजूर कुमय योम तुम्हारी जो भी कमाई है तुम्हारी जो भी मेहनत दुनिया की है तुमने जो कुछ दुनिया में किया उसकी उजरत उसकी तनख्वाह उसका बदला तुमको मरने के बाद पूरा पूरा मिलने वाला है तो भाग नहीं सकते उससे ना अच्छों को महरूम किया जाएगा न बुरे भाग पाएंगे जो कुछ किया है उसको भुगतना है अच्छा तो अच्छा या बुरा तो बुरा व अननम तो वो नजूर कुमे क़ियाम फमनजुहान जन्नत फ़कद फाज़ तो जो जन्नत में जो जहन्नम से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वो कामयाब है वया तो दुनिया गुरूर और दुनिया की ज़िंदगी धोखे की पूंजी से ज़्यादा कुछ नहीं है दुनिया की जिंदगी क्या है एक आदमी मिसाल के तौर पर ख्वाब में देखता है किसी ने उसको हाँ इतनी बड़ी सोने का जो है डल्ली दे दिया उसको इतना बड़ा सोने का पत्थर दे दिया उसको ले लिया छोड़ रहा नहीं ख्वाब में आंख जब खुलती है बीवी उठा रही चलिए जाना है आपको जॉब पे और आंख जब खोलती है तो देखा मुट्ठी बंद लेकिन खोलने के बाद मुट्ठी खोला तो देखा कुछ भी नहीं है दुनिया की जिंदगी बस उसकी हैसियत ऐसी है यहाँ जितना भी पकड़ के रख रहा है ये मेरा ये मेरा ये कमा रहा वो हासिल कर रहा ये मेरा है जैसी मौत आती है उसके रिश्तेदार देखते हैं उसको क्या जाता उसके साथ में चेकबुक जाता मोबाइल फोन जाता उसका जिसको छोड़ता नहीं कभी मोबाइल फ़ोन चेकबुक उसका पैसा बैंक बैलेंस उसके जेवरात सब कुछ उसे छीन लिया जाता है उसके कपड़े भी उससे उतार कर उसको एक दूसरा लिबास पहनाया जाता है यूनिफॉर्म कफन पहना के उसको दफन कर दिया जाता है जाओ यहां से कुछ ले जा नहीं सकते नॉट अलाउड क्यों नहीं वहां काम ही नहीं आता ये, वहां पैसा नहीं चलता यहां पैसा चलता है वहां क्या चलता है वहां ईमान और अमल चलता है यहां की करेंसी पैसा है यहां वही चलता है वहां की करेंसी पैसा नहीं है वहां इज्जत यहाँ की डिग्री से नहीं मिलती है वहाँ यहाँ के कनेक्शन काम नहीं आते वहाँ क्या काम आता है तुम कैसा जिए तुम कैसा जिए तुम अंदर से कैसे थे बाहर तुमने क्या जमा किया वहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं अंदर तुमने क्या जमा किया तुम्हारा ईमान कैसा था तुम्हारा अखलाक कैसा था तुमने अमाल क्या क्या किए तुमने कैसी जिंदगी गुजारी जैसी जिंदगी तुमने गुजारी वैसी जिंदगी आखरत में मिलेगी अच्छी तो अच्छी बुरी तो बुरी वहां का कानून अलग है यहां का कानून वहां नहीं चलता यहां का कानून वहां नहीं चलता है तो वहां जब आँख खुलेगी देखेगा हाथ में कुछ भी नहीं मैं तो सब पकड़ के बैठा था यहां पे, लेकिन सब छूट गया कहा गया सब कुछ रिश्तेदार कब्रिस्तान तक आते हैं कब्र में दफन करके हाथ झाड़ते देखते पहले कौन जा रहा एक भी हिम्मत कर लेता इज्जत गई तो गई कोई बात नहीं पहले मैं जा रहा जब वो जाता उसके पीछे एक के बाद एक सब चले जाते हैं कोई रुकता नहीं बहुत देर तक रुकने वाला भी देखता उसको पीछे से आगे बोलते चलना कब तक रुकेगा वापस थोड़ी आने वाले वो गए वो छोड़ के चले जाते ये अपनी कब्र में पड़ा रहे अब तू और तेरी जिंदगी जो दुनिया में गुजारा अब तू से निपट तेरा सारा कमाया हुआ हम एंजॉय करेंगे बीवी बच्चे रिश्तेदार सब उनको मिलता इसको क्या मिला जवानी से लेके बुढ़ापे तक मेहनत करते 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 छोटी सी टपरी थी रास्ते पे फुटपाथ पे बैठता था फिर उसके बाद छोटी सी टपरी लिया उसके बाद छोटी दुकान लिया दुकान से बढ़ते बढ़ते शोरूम खोला उसके बाद मॉल लिया उसने सब हासिल करने के बाद इतना बड़ा मॉल उसका है और खबर इतनी छोटी मॉल नहीं कबर। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद हाथ में क्या आया जगह क्या मिली घर में भी नहीं रखे घर वाले नहीं नहीं हम हमारे घर में रखेंगे बहुत मोहब्बत हमारे लिए इतना कुर्बानी दी इतना पैसा हमको दिए अयाशी की जिंदगी हमको दिए देखो इतनी मोटर कार, मोटर कार में भी नहीं कंधे पे जाना है लोगों के वही मस्जिद का जनाजा और तुमको कोई बहुत बड़े पार्क में और तुम्हारे गार्डन में दफन नहीं होने वाले कब्रस्तान जो आम मुसलमानों का है हो सकता है तुम्हारे से पहले उसी कब्र में कोई फ़कीर भी दफन हुआ हो जाओ उसके अंदर कपड़े बहुत महंगे महंगे इतने कपड़े के चुनना मुश्किल हो जाता था पार्टी में जाने के लिए नहीं सीधा साधा कफन लाओ उसको लपेटो वसूल दो लपेटो उसको और ले जाके दफन कर दो ख़त्म कुछ भी नहीं उसका गाड़ी की चाबी जेब में थी मरा जब निकाल लेते वो भी घड़ी निकाल लेते वो भी दुनिया छूटने वाली है दुनिया छूटने वाली दुनिया की चीजें छूटने वाली जो छूटने वाला है उसके लिए कितनी मेहनत पूरी जिंदगी लगा दिया और जो चीज बाकी रहने वाली है ईमान और अमल उसके लिए कितनी मेहनत है छूटने वाली के लिए तू जिंदगी लगा दिया और जिसको तू साथ लेके जाने वाला है उसके लिए तूने वक्त क्यों नहीं लगाया बेवकूफ आदमी है तू नादान है तू इसीलिए कहा कि जिंदगी गुरूर, यानी धोखे की पूंजी है तो समझ रहा है सेफ है सब कुछ मेरे पास है छूटने वाला नहीं है बराबर मैं संभाल के रखा नहीं ये तुझको छोड़ के चला जाएगा या फिर तू इसको छोड़ के चला जाएगा छूटना तो है दुनिया की हकीकत क्या है दुनिया के बारे में दो बातें याद रखना ज़रूरी है नंबर एक दुनिया इम्तहान के लिए है दो दुनिया बाकी रहने वाली नहीं कुरान करीम में अल्लाह ताला सर कहफ में फरमाता है हमने दुनिया में ज़मीन पर जो कुछ भी बनाया है यहाँ के बागात यहाँ की बिल्डिंग्स यहाँ की मोटर गाड़ियाँ यहाँ के बड़े बड़े शोरूम यहाँ के हर किस्म की जीनत यहाँ के इसको हमने दुनिया के लिए ज़ीनत बनाया है ख़ूबसूरती ये दुनिया खूबसूरत दिखाई देती है लेकिन ये खूबसूरती इंजॉय करने के लिए है इम्तहान के लिए है क्या इम्तहान है हमारा दुनिया में खो के चीज़ों में खो के इस दुनिया के मालिक को याद रखते कि भूलते हैं दुनिया 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 की चीज़ों अल्लाह ने इन सब चीज़ों को ख़ूबसूरत बनाया है इन में रह के तुम अल्लाह को याद रखते कि नहीं रखते और दुनिया तुम्हारी ज़रूरत है ज़रूरत में बिज़ी हो के ज़िंदगी के मकसद को याद रखते कि नहीं रखते कि मरने के बाद भी तो एक ज़िंदगी है उसकी तैयारी के लिए मैं यहाँ आया हूँ उस ज़िंदगी में जब मैं पहुँचूँगा तो मैं अच्छा बन के पहुँचना चाहिए मैंने नेकियां जमा की हुई चाहिए पैसे नहीं लेकिन ये पैसे जमा करने में लगा और नेकियों को पसे पुष डाल रहा है जिंदगी ख़त्म अल्लाह। हमने जमीन पर जो कुछ भी बनाया उसको ज़मीन की जीनत बनाया खूबसूरती ज़मीन की है क्यों नबलू नबलूम अहसनु अमला ताकि हम लोगों को आज़माएं उनका इम्तहान लें कि इनमें अमल के अतबार से कौन ज़्यादा अच्छे हैं अच्छा मालूम कि असल चीज़ चीज़ें नहीं हैं प्रॉपर्टी नहीं है असल चीज़ इंसान का अमल है अल्लाह ये देखना चाहता है कि इनमें अमल में कौन अच्छा है कि दुनिया के दुनिया के अमल में लगता है या आखरत के अमल में लगता है दुनिया के लिए भाग दौड़ ही में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है ये आख़रत की कामयाबी के लिए अमल करने में अपने वक्त को अपनी सलाहितों को लगाता है अपने जिस्म को खपाता है और आगे क्या फरमाया व इन्ना लजामा अल हासदा और हम आखरत में यानी इस कयामत के दिन क्या करेंगे जो कुछ हमने उस पर बनाया ज़मीन पर इसको हम क्या बनाने वाले हैं बिखरी हुई धूल बना देने वाले हैं सब ख़त्म होने वाले खंडर बनने वाला ही बल्कि बिखरी हुई धूल अल्लाह तब को ढा के ख़त्म कर देगा और ज़मीन बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी कोई ऊंचाई ज़मीन में नहीं रहेगी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे सारे बड़े बड़े मॉल सारी बड़ी बड़ी गार्डन्स और सब कुछ यहाँ की जीनत सब ख़त्म होने वाली है अल्लाह ताला ने पहले तो बता बहुत खूबसूरत और दुनिया हमने दुनिया को खूबसूरत बनाया क्यों तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए अट्रैक्टिव नहीं होती तो इंसान इसकी तरफ दौड़ता नहीं लेकिन ये इसको खूबसूरत बनाया और इसको हुक्म दिया कि तू इसमें रह कर मुझको याद रख और दुनिया में रह के आखिरत की कोशिश कर ये इम्तहान है उसका कि तू चीज़ें जमा करने में लगता है या नेकियां जमा करने में लगता है तेरा इम्तहान है अगर तेरी निगाह में नेकी ज़्यादा अहम है नेकी जमा करेगा अगर तेरी निगाह में दुनिया की चीज़ें और यहाँ का माल मत यहाँ का पैसा ये अहम है तो इसके पीछे दौड़ के नेकियां बर्बाद करेगा इसीलिए आज देखें आप दुकानदार हो बिजनेसमैन हो नमाज़ बर्बाद कर रहा है पैसे के लिए क्योंकि तेरी निगाह में पैसा असल है नमाज असल नहीं है तेरी निगाह में माल असल है आमाल असल नहीं है इम्तहान तेरा ये है कि तेरी निगाह में आखिरत की करंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहां हमेशा रहना है या दुनिया की करेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां टेम्पररी रहना है यही अकल ये चलाना है दुनिया में थोड़े दिन रहना है यहां की करेंसी लगती और आखिरत में कितने दिन रहना है हमेशा वहां की करेंसी तेरे पास है यहां के सक्सेस के लिए जो चाहिए तो जमा कर रहा अच्छी बात है भाई कौन मना किया तेरे को जमा कर लेकिन वहां जाना है कि नहीं है हाँ कब जाना है कभी भी जा सकते हैं अचानक फरिश्ता आएगा चलो कहां आखिरत में वक्त आ गया तुम्हारा नहीं थोड़ा और मुझको यहां पे कोशिश करना है मेरे कुछ और टारगेट से अचीव नहीं किया मैंने अभी तक के उसको आप अपनी मर्जी से आए थे नहीं अपनी मर्जी से जाएंगे भी नहीं आप अल्लाह के हुक्म से आए अल्लाह के हुक्म से तुमको जाना है तुम्हारी मर्जी चलती नहीं एक ही चीज में मर्जी चलती तुम्हारी कैसा जीना कितना जीना तुम्हारे बस में नहीं है कैसा जीना तुम्हारे बस में है तुम कैसा जिए यहां पे भले चार दिन हो पांच दिन हो महीना हो साल हो जितना तुम जिए यहां पे जितने साल दुनिया में जिए कैसा जिए क्या क्या तुमने जमाए नहीं अपने आप को तुमने क्या बनाए ये असल है बाहर क्या जमाए ये असल नहीं है लेकिन शैतान इंसान को ही धोखा देता मेरे पास ये होना चाहिए मेरे पास वो होना चाहिए मेरे पास ये चीज होना चाहिए तो दुनिया में मेरा स्टेटस ऊंचा हो जाएगा होता नहीं भी होता आखरत में यहां स्टेटस बनाने में थोड़ी सी जिंदगी उसके बाद मरना है चालीस पचास साल आखरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां हमेशा रहना है हमेशा के मुकाबले में साठ साल क्या हजार साल भी कुछ नहीं है वहाँ हमेशा 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 रहना है कभी मौत नहीं आएगी वहां की तैयारी तूने क्या की है यहां मालूम है मौत आने वाली है साठ साल सत्तर साल अस्सी साल सौ साल वाला तो जीता भी नहीं यहाँ पे कोई सौ साल से ज्यादा तो नहीं रहना है यहाँ पे सौ साल की तैयारी है और वहां हमेशा रहना है उसकी तैयारी नहीं तो करना क्या तू यहां पे वहां जाके करूंगा नादान वहां नहीं कर सकते तैयारी यही रह के करना है जो भी करना है वहां बदला है यहां कोशिश है यही रह के वहां की कोशिश तुझको करना है एक एक करके दिन जा रहा है एक एक करके साल निकल जा रहा है और तू वहां की कोशिश नहीं कर रहा है तो दुनिया की चीजों में लगा हुआ है दुनिया असल नहीं है आखरत असल है दुनिया असल नहीं है आखरत असल है दुनिया फना होने वाली है ख़त्म होने वाली है आखरत बाकी रहने वाली है दुनिया में माल काम आता है आखिरत में आमाल काम आएंगे दुनिया में हमेशा नहीं रहना है आखिरत में हमेशा रहना है क्या तैयारी किया उसकी आदमी को सोचना है हर आदमी को उसका फैसला करना है अल्लाह आलमीन कुरान करीम में फरमाता है इन नमा मतलयात दुनिया कमा इन इन अनजल समा दुनिया का हाल ऐसा है दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया फ़ख्तल तभी नबातुलअर्द मम याकुलनास वल अनाम तो जब पानी ज़मीन पे बरसा यहाँ से अनाज होगा फल उगे जानवरों के लिए घास होगी इंसान और चौपाए जो खाते हैं वो सारा उसमें से इनमें में से हता इदा अदतल जुरफा ज़ुखरुफहा वज्यन्त वज और जब ज़मीन में सब हरियाली हरियाली हरा भरा हो गया फल उगे अनाज उगा और हरियाली उगी जानवरों के लिए भी इंसानों के लिए भी और ज़मीन एकदम ख़ूबसूरत और पूरी मुजयन हो गई खेती बाड़ी से फलों से और घास से एकदम हरियाली आ गई दिल को लुभाने वाला मंजर दिखाई देने लगा कैसा माहौल हो गया एकदम अल्लाह फरमाता है जब पूरी तरह से जमीन मुजयन हो गई वह अन का और जमीन के जो मालिक थे खेती बाड़ी वाले गार्डन वाले उन्हें ऐसा लगा कि अब तो हमारी फसल पूरी पक्की हो गई अब बस फसल काटने की देर है फल तोड़ने की देर है सब कुछ हमारे कंट्रोल में है वी आर इन कंट्रोल हम कंट्रोल में है। बस एकदम सब कुछ हमारा ही हो गया देखो कैसे खूबसूरत फल लगे हुए हैं पेड़ों पर कैसी हरियाली है और कैसी पैदावार हमारी है सब कुछ हमारे कंट्रोल में है वन का नहारन अचानक हमारी तरफ से अजाब आ गया रात में या दिन में हाँ पूरे खेत में आग लग गई पूरी बारिश से सारे पेड़ बर्बाद हो गए आप देखिए कोकन में सैकड़ों पेड़ बाद लोगों के आम के बागात थे ऐसी आंधी और ऐसी हवा आई कि उस सारे बागात क्या हो गई सारे पेड़ उखड़ गए सब तबाह कितने इलाके ऐसे हैं आप देखिए पैदावार अच्छी खासी फसलें हैं लंबे दूर दूर तक खेत ऑस्ट्रेलिया देखिए ऐसी आग के सब खत्म हमारा हुक्म आया रात में आया या दिन में आया वो सारी फसल वो सारे खेत वो सारे बागात वो सब कुछ क्या हो गया तबाह हो गया रातों रात दिन के दिन में तबाह हो गया फज्लासीदन काम सब का सब हमने क्या कर दिया काट के एकदम ख़त्म पूरी ज़मीन एकदम क्या हो गई फसलें सब खत्म हो गई ऐसे जैसे कल था ही नहीं कुछ यहाँ पर जैसे कल कुछ था ही नहीं यहाँ पर कदाली कसलयात कौमी दफ़्कर हम बस ऐसी मिसालें बयान करते हैं ऐसी अपनी आयात को वाजे करते हैं ताकि लोग गौर करें हम अपनी आंखों से देखते हैं दुनिया में कितने मुल्कों में कितने इलाक़ों में सब कुछ ठीक ठाक होता है अचानक सैलाब आता है अचानक आंधी तूफान आता है अचानक जलजला आता है अचानक आग लग जाती है और लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं प्रॉपर्टी जल के राख हो जाती है बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं सब जल के ख़त्म हो जाता है कल करोड़पति था आज रास्ते पे आदमी आ जाता है ये ऐसी जिंदगी है यह ऐसी दुनिया है यहाँ की चीजों का यह हाल है आज है कल नहीं है आज है कल नहीं है उसके ऊपर हम फख्र कर रहे हैं उसको जमा करने में हम लोग लगे हुए हैं उसके पीछे अपनी इतनी आला सलाहियतें जो अल्लाह ने हमको दी उसके ऊपर खर्च करने में लगे हुए हैं इन चीज़ों को जमा करने, करने, करने में हर, हम लग रहे हैं सारा जमा करने के बाद हम लोगों को फरिश्ते जमा कर लेते हैं हमने सब कुछ जमा कर लिया लेकिन हम जमा हो जाते ना फरिश्ता हमको दुनिया से उठा के ले जाता सब खत्म इतनी गैर यकीनी दुनिया के लिए अपनी सारी सलाहतें हम लगा रहे हमसे ज़्यादा नादान और कौन होगा जहाँ रहना नहीं है वहाँ के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देते हैं और उस अल्लाह के लिए क्या उस आखिरत के लिए क्या जहां हमेशा रहना है उस अल्लाह के लिए हम क्या करते हैं जो सारी चीज़ों का मालिक है दुनिया का भी और आखिरत का भी है जो दे तो कोई रोक नहीं सकता है और जो रोक ले तो कोई दे नहीं सकता है उस अल्लाह के लिए हमारी ज़िंदगी का कितना हिस्सा है उस अल्लाह के लिए हमारी ज़िंदगी का कितना हिस्सा है हमको खुद अपने हाल पर गौर करना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं मुस्तौरी दरदी अल्लाह तुम कहते हैं काला रसूल सल्लाम वल्लाफिल आखिरतीदुकुम इसबाह हाद ही फिलियम फलियन दिमा तर्ज है आपने फरमाया अल्लाह की कसम दुनिया की मिसाल आखरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई आदमी अपनी उंगली बस समंदर में डुबोए और उंगली निकालें उस उंगली पर कितना पानी आता फलिय दुलमा यर्ज है देखे कि उसकी उंगली पानी में समंदर में डुबोने के बाद कितने पानी के साथ बाहर आई इतनी दुनिया की जिंदगी की मिसाल है दुनिया की हयात या दुनिया की चीज़ें आख़रत के मुकाबले में ऐसी है जैसे समंदर में उंगली डुबो के निकाले तो हाथ को कितना पानी लगता है क्या है इस उस पानी की है? और उस समंदर कितना बड़ा है वो ज़िंदगी कितनी बड़ी है और उसकी आखरत की नेमतें कितनी ज़्यादा हैं दुनिया की कितनी कम है उसके मुकाबले में हकीर है कुछ हैसियत उसकी नहीं है इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है तो आख़रत के मुकाबले में दुनिया इतनी हक़ीर और इतनी कम है आखिरत इतनी ज़्यादा है इसी तरह से आप देखें जाबर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह हैं, दुनिया की हैसियत क्या है आप फरमाते हैं किन्ना रसोल सल्ला मर रब सूख अल्लाह के रसूल सल्ला एक बाज़ार से गुज़रें दाखिल में बदल आलिया।, आलिया से मदीना में ऊँची ज़मीन है वहाँ से आप मदीना में दाखिल हुए और आप बाज़ार से गुज़रें वन्ना सो और आपके आस पास दाए बाएं लोग भी साथ चल रहे थे फमर असक तो रास्ते में आपने देखा एक बकरी मुर्दार पड़ी हुई है छोटे छोटे कान वाली है छोटे कान वाली बकरी मुर्दार पड़ी हुई है फतना वाला हुआ फाद अभी उदो आपने उस बकरी को उठाया कान पकड़ के आपने उठाया इस तरह से मरी हुई बकरी उसको उठाया फोकाल ब्बन्हा कौन ही बात पसंद करेगा कि एक दिरहम में उसको ये मिल जाए फ़काल मानो हिब्बानिश वस्ना साहब ने कहा कुछ भी दे के लेंगे नहीं हम इसको लेके करेंगे क्या हम इसे कोई पसंद नहीं करेगा कि थोड़ा सा कुछ खर्च करके ये बकरी उसको मिले मरी हुई बकरी और वो ले करेगा क्या और कहा अतुहिब्बुना अन्नहू लकुम का ऐसी किसी को मिल जाए तो ठीक है एक दिरहम भी नहीं दिरहम से भी कम फ्री मुफ्त में अगर ये बकरी किसी को मिल जाए तो लोगे अतुहिब्बुना अन्नहू लकुम قالوا لا सावन नहीं, नहीं हमको नहीं चाहिए قال قال ذلك ثلاث لهم ثلاثه तीन बार आपने पूछा चाहिए तुमको चाहिए।, चाहिए चाहिए मुफ्त में चाहिए लोगों ने क्या कहा قالوا हयन का ना आई बनफी अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम अगर ये जिंदा भी होती ना बकरी ऐबदार थी छोटे कान वाली है लेक फ अब तो मरी हुई है अब लेके कौन क्या करेगा उसको जिंदा भी थी तो ऐबदार थी कोई खरीदता नहीं इसको अब तो ये क्या है मुर्दार है मरी हुई है अब क्या कीमत को इसकी लगा सकता है फ़क फोअल्ला लद्दुनिया मिनकुम का अल्लाह की कसम कसम खा के कहा कि अल्लाह के नजदीक ये बकरी इससे भी ज्यादा कम कीमत है जितनी तुम्हारी निगाह में दुनिया अल्लाह के नज़दीक इस बकरी से भी ज्यादा कम कीमत है जितनी इस बकरी की कीमत तुम्हारी निगाह में है जितना हकीर तुम इस बकरी को समझ रहे हो उस वक्त में इससे भी ज्यादा हकीर ये सारी दुनिया की जैब ज़ीनत अल्लाह के नज़दीक है कोई वैल्यू नहीं अल्लाह के पास इसकी जो फना होने वाला है उसकी क्या कीमत जो ख़त्म होने वाली चीज़ है उसकी क्या कीमत इसकी कोई कीमत अल्लाह के पास नहीं है आखरत इतनी ज़बरदस्त है जन्नत इतनी आला है इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसकी कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह <स्थाल> के नज़दीक इसकी इतनी भी कीमत नहीं जितनी तुम्हारे नज़दीक इस मरी हुई कम छोटे कानों वाली बकरी की कीमत है मुर्दार पड़ी हुई बकरी की कीमत अल्लाह के नज़दीक दुनिया की उतनी कीमत भी नहीं है तो जिसको अल्लाह बेक़ीमत जानता हो उसको हम कीमती समझ लें और अल्लाह को खुश करेंगे हम जिसके जिसकी अल्लाह के नज़दीक कोई वैल्यू ना हो और हम अपने दिल के जज्बात अपनी रात दिन की फ़िक्रें और दिन भर की कोशिशें पूरी उसके लिए लगा दें और अल्लाह को भूल जाएं अल्लाह तला के नज़दीक हमारी कीमत होगी बेकीमत के की पीछे दौड़ने वाला बेकीमत बेकीमत के की पीछे दौड़ने वाला खुद भी अपने आप को बेकीमत बना लेता है हमारी मिसाल उस इंसान की तरह है जो कटी हुई पतंग को पकड़ने में दौड़ रहा है और दौड़ते 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 छत पर से गिर के मर गया ऐसी चीज़ जिसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं थी उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी दुनिया अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है ऐसे आदमी को कोई अकलमंद कहेगा हमारी मिसाल वैसी है जबकि आखिरत हमारे लिए पूरी मौजूद हैं उसके लिए हम कुछ करके अपना मकाम वहाँ बना सकते हैं अल्लाह के पास अपना मकाम बना सकते हैं आखरत की ज़िंदगी में इससे बेहतर नेमतें हासिल कर सकते हैं लेकिन हम अपनी पूरी ज़िंदगी को किस पे खर्च कर देते हैं दुनिया पर जो कि ख़त्म होने वाली है हम अपने बाहर चीजें जमा करने में लगते हैं और जैसे ही सब जमा लेते हैं हम लोग फरिश्ता इनके बीच में से हमको उठा के ले जाता कितनी अफसोस की चीज है सोचिए यहां मेरा घर ये पैसा ये ये सब कुछ मेरे देवरा सब मेरे जमा ये मेरा और इनके बीच में से फरिश्ता हमको निकाल के ले जाता क्या फायदा क्या फायदा इस सारी कोशिश का कि इसका एंड क्या है इसका माल क्या है इसका अंजाम क्या है इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है और मामला अगर इतना ही होता तब भी इतना सीरियस मामला नहीं था कि दुनिया को छोड़ना है ये जो जिंदगी गुजारी तूने पचास साठ साल जितनी भी मिली इसका पूरा हिसाब आखरत में देना है क्या किया तू दुनिया में इतना टाइम मिला तुझको रात दिन रात दिन रात दिन हफ्ते 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 महीने 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 साल 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 गुजर गए इतना टाइम तेरे पास था क्या किया तू इसमें किस चीज़ को तूने तो सबसे ज्यादा वैल्यू दिया अपनी जिंदगी में पैसे को घर को गाड़ी को सोने चांदी को और अल्लाह को क्या क्या तेरी जिंदगी में अल्लाह का मकाम था इन सारी चीज़ों का मकाम था अल्लाह का मकाम क्या था तेरे दिल में तेरी जिंदगी में आखिरत की क्या अहमियत थी तेरी जिंदगी में दुनिया की तो बहुत अहमियत थी आखिरत के लिए क्या किया तू अल्लाह के लिए तू क्या किसके लिए जिया तू अल्लाह के लिए जिया या चीजों के लिए जिया तो तूने उसी को अपना रब बनाया था तेरी पूरी जिंदगी की सारी फिक्रें और कोशिशें उसी के लिए तूने तो रब का मकाम दे दिया उसको ये तो अल्लाह के लिए होना चाहिए था

एम्बिशन मेरा है मुझको ये बनना है मुझको ये कमाना है इतने साल में ये करना है मेरा ये टारगेट है अच्छी बात है लेकिन अल्लाह को बुला के आखरत को बर्बाद करके आमाल को खराब करके अपने बातिन को बिगाड़ के अपनी जिंदगी को तबाह करके तो ये पाना चाहता है जिसको छोड़ना है तुझको पागल आदमी है तू तो उससे ज़्यादा दीवाना कोई नहीं है चाहे दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी तुझको सबसे अक्लमंदी का तमगा दे दे अल्लाह की मीज़ान में तो कुछ नहीं है अल्लाह के नज़दीक तो बेवकूफ़ है जाहिल है असल कामयाबी आखरत की है दुनिया की नहीं है दुनिया ख़त्म होने वाली है ये ख़त्म होने वाली है और कम कीमत है अल्लाह के नबी सल और दुनिया का मसला क्या है बातें बहुत हैं है। अहम वक्त मेरा ख़त्म हो गया है कुछ बातें इतनी काफ़ी समझते हैं वरना दुनिया की बुराई करते बैठेंगे बहुत वक्त उसके लिए लगेगा कम से कम हरे को इतना तो मालूम है कि छोड़ के जाना है यही उसकी बुराई काफी है लेकिन दूसरी बुराई उसकी यह है कि अगर हासिल कर भी ले दुनिया इंसान तब भी दिल भरता नहीं भरता नहीं भरता आप बताइए जिस चीज से दिल ना भरे वो चीज कैसे इंसान को सुकून दे सकती है कितना भी कमा तू दिल भरने वाला नहीं एक करोड़ चाहिए टारगेट है मेरा करने के बाद बोलता दो करोड़ चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लो लिबन आदमा मिन दहबिन लो इबन आदम को अगर सोने की एक वादी वादी किसको कहते हैं पहाड़ पहाड़ उसके बीच का हिस्सा उभार के कप नहीं बर्तन नहीं इतना बड़ा बर्तन क्या इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़ इतना बड़ा कप मिल रहा है उसके अंदर पूरा सोने से भर दिया जाए एक वादी भर के अगर उसको सोना मिले अहबू नहु वादिया उसके दिल में तमन्ना पैदा होती दो वादी होता तो कितना अच्छा होता ना एक घुटा मिलने के बाद क्या बोलता दो घुंटे हाँ एक फार्म हाउस होने के बाद दो आदमी कभी उसका सैर नहीं होता दिल इल्ला आपने फरमाया वलाहरमायाबन आदम के पास अगर एक वादी भर के सोना हो वो दूसरी वादी की तमन्ना करता है लेकिन उसका मुंह कब्र की मिट्टी के सिवा कुछ भरने वाला नहीं उसका दिल भरता नहीं यहां तक कि उसके मुंह में मिट्टी पड़ जाती मुंह भर जाता मिट्टी से और यतूबुल्लाहु अला मन ताब और अल्लाह उसकी तोबा कबूल करता है जो तौबा करे यानी अगर किसी का यह हाल है तो उसको तोबा करना चाहिए दुनिया काम आने वाली नहीं सोना चांदी काम आने वाला नहीं तोबा कर अपनी गफलत अपने गुनाह और दुनिया पाने के लिए जो गलत किया तूने अल्लाह से तोबा कर अल्लाह ताला तेरी तोबा कबूल करेगा व वह यतुबाल्ला हो वह यतुबाल्लाताब अल्लाह ताला उसकी तोबा कबूल करता है जो तोबा करता है वरना तेरी तेरा मुँह क्या भरेगा कब्र की मिट्टी भरने वाली है मर के मिट्टी में जाने वाला है आदमी क्या करता है कि मेरा ये गोल है मुझको मिलना चाहिए हर आदमी क्या सोचता मेरे पास क्या नहीं है मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है ये होता तो मैं खुश रहता ठीक क्या है नहीं देखता हूं मेरे पास ये है ये है ये है ये देख के खुश होने की बजाय क्या करता पर क्या नहीं है अपने पास आदमी जब वो पा लेता तो फिर वापस देखता क्या नहीं है मेरे पास तो आज तू ये सोच रहा है कि तेरे पास क्या नहीं है वो मिल जाता तो तो खुश रहता लेकिन आज जो तेरे पास है उसमें खुश है क्या तू तो कल को जब वो मिल जाएगा तुझको फिर वही हाल होने वाला है जो आज है तेरे पास कल कुछ और तेरे पास नहीं होगा उसको सोच के तू आज सोचेगा कि काश कि मेरे पास ये होता है तो इस एतबार से तू कभी खुश रह सकता नहीं क्यों क्योंकि तेरी निगाह उस पर है जो तेरे पास नहीं है तेरी काश निगाह उस पर होती जो तेरे पास है आदमी कभी भी उसको एंजॉय नहीं करता जो उसके पास है क्या नहीं है पे उसकी हमेशा निगाह टिकी रहती इसलिए फकीर का फ़क़ीर रहता और मर जाता आदमी फ़कीरी मरता हो फ़कीरी कम पाने में नहीं होती है मेरे पास कम है का एहसास होने में होती है फकीर आदमी दिल में रहता मेरे पास ये नहीं मेरे पास वो नहीं मेरे पास वो नहीं ये फ़कीर है वो फ़कीर नहीं है जो बोल रहा है कुछ नहीं रहा तो चलता ये है ना मेरे पास बहुत है अल्लाह का हुआ बहुत मेरे पास ये फ़कीर नहीं है फ़कीर वो है जिसके अंदर दिल के अंदर महरूमी का एहसास है लिहाजा दुनिया पा के भी कभी दिल भरता नहीं इंसान के दिल को सुकून किससे मिलता अल्लाह की याद से अल्लाह बिदर लाही ततम इनक़लूब दिल को सुकून मिलता चीज़ों से नहीं दिल को सुकून मिलता चीज़ें पाके नहीं मिलता सुकून अल्लाह को पाके सुकून मिलता है सुकून उसी को मिलता है जिसने अल्लाह को पाया अला बिदर कुलूब, खबरदार अल्लाह की याद ही से दिलों को इतमिन नसीब होता है लिहाजा हम चीज़ों के पीछे पागल की तरह न दौड़ें जितनी ज़रूरत है उतना हम हासिल करें जमाए भी भाई सोना भी खरीदो चांदी भी खरीदो घर भी बनाओ मकसद मत बनाओ उसको मकसद उसको मत बनाओ मकसद हमारा अल्लाह है वह अन्ला इला भी कल मुंतहा पलट के अल्लाह के पास जाना है वह राजिऊन अल्लाह के पास ही लौट के जाना है तो जिसके पास लौट के जाना है उसको मकसूद बनाओ कि जब उससे मुलाकात हो तो निगाहें शर्मिंदगी से झुके नहीं बल्कि शौक़ से उसको देखने वाली हो समझ नहीं मेरी बात ऐसा जिए आदमी कि कल को अल्लाह से मुलाकात हो तो शर्मिंदगी के साथ में इंसान की जिल्लत से अपने गुनाहों की वजह से निगाहें झुके नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और उसके शौक़ में उसकी निगाहें उठ के अल्लाह को देखने वाली बने वजू हुए इदिन दिन नावरा वजू है योम इला रबिहा नाज़िरा उस दिन कुछ चेहरे हशाश बशाश खुश होंगे अपने रब की तरफ़ देख रहे होंगे कल को हमारा हाल ये हो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमको दुनिया के लिए जीने की बजाय मकसद के लिए जीने वाला बनाएं और मखलूक के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने बात करने की बजाय खालिक के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करने की तोफ़ी क़दा अल्लाह ताला हम सबको आखिरत आख़रत की फ़िक्र करने वाला और अल्लाह को राज़ी करके दुनिया से जाने वाला बनाएँ अकोलहादतफ़ी वालकुम्म